ये स्ट्रीट नहीं है, मॉल के अंदर ही है। तो यार मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि मैंने जो है ना अभी जस्ट इसमें प्याज डाले हैं और ऑयल में जो है प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं उसके बाद फिर हमने इसमें इन द मीन टाइम हमने जो है टमाटर काट लिए हैं और टमाटर मुझे कुछ करने की ज़रूरत है कुछ भी, जस्ट इसको डायरेक्टली खोल के मैंने डाल देना है, ठीक है। और बस अभी ये थोड़े से ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं टमाटर डालूंगा, देन मैं छोले डालूंगा और उसके बाद मेरा छोले का सालन रेडी हो जाएगा। यार ये देखो, चेक करो, मैंने सब कुछ डाल दिया है, छोले की बिरयानी फाइनली जो है मैंने प्लेट में डाल ली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज का आगाज मैं व्लॉग कर रहा हूँ रेडबुल के साथ, ये मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है रेडबुल का। तो ये होती है हमारी परदेसियों की लाइफ। और अभी जो है हम वो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने इन साहब के साथ, तो हम जा रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ने और नमाज के लिए टाइम काफ़ी कम रह गया है और फिर उसके बाद जो है कहीं जाके खाना खाएँगे, फिर आपको वो दिखाऊँगा। और सर्दी काफ़ी हो रही है, मेरे हैंड जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं कर सकता मोबाइल, तो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ फिर बाकी अपनी जर्नी आज की। डायरेक्ट बुखार से आपने यहाँ बयाना का सफर जी, मीर बुखार से जमीन आसमान का फर्क लग रहा होगा आपको। कराची से अबू धाबी, अबू धाबी से बयाना, बड़ा ही अच्छा सफर रहा था। अच्छा एक चीज जो है ना वो बिजली से चलती है सब कुछ यहाँ पे, ट्रेनें बसेस वगैरह सब कुछ, ज्यादा सारा ट्राम्स वगैरह सारा निजाम यहाँ का जो है ना वो बिजली से चलता है। ये यहाँ की जो है बेकरीज बनी हुई होती हैं, ये यहाँ का प्रातः स्टेशन है, यहाँ से आपको एयरपोर्ट जाने की भी ट्रेन मिलती है ऊपर से वहाँ से, हाँ तो एयरपोर्ट जाने की भी ट्रेन मिलती है आपको। तो अभी हमने कहाँ जाना है, अभी हमने जी जाना है, अभी हमें आगे वाले स्टेशन पे जाना है। यस, CDM वगैरह बना हुआ है। यहाँ दोबारा से दवान में लंगर खाने आ गए क्योंकि इससे सस्ता लंगर पूरे बयाना में नहीं मिलता आपको। सब दिन डेरा एक ही होता है। ये ये इसमें चिकन है, पालक है, इसमें आलू है, दालें हैं। तो ये है वकास साहब का खाना आज दोबारा और ये है मेरा। वकास साहब आप तो बीफ शौक से खाते हो, बीफ में चिकन के साथ आगे क्यों नहीं? बीफ ही आपको दिख नहीं रहा। ये पानी शानी ले लिया, चलो भाई ये एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और ये यहाँ पर जो है वो सूजी का भी हलवा है, कैसा लगा सूजी का हलवा? मैंने इससे अच्छा सूजी का हलवा आज तक नहीं खाया। वाकई में चेक के देखो, शुगर भी इतनी नहीं और हैवी भी नहीं लग रहा और मज़े का भी नहीं। क्या बात, चेक मैं चेक करता हूँ। और ये भी फ्रेश को गरम गरम है, गरम गरम ये भी मैंने चखा उसके बाद मैंने डाला, बहुत मजे का है। तो आज ये देखो ये किस तरह यहाँ पर जो है ना लोगों ने अपनी गाड़ी शाड़ी लगाई हुई है और किस तरह देखो यहाँ पर गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है यहाँ से आस्ते वहाँ पे, जगह 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 जो है ना गवर्नमेंट के फ्री में जो है ना ये चार्ज करने के ये लगे हुए होते हैं पम्प से ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी भी आप बचा सकते हो अपनी अच्छी खासी इससे। बस ये है एशियन मार्केट, ऐसे इतनी बड़ी है अच्छी खासी और रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सारा एशियन कोरियन सारा जो है ना चीज़ें यहाँ पर फेवरेट होगी। वकास क्या पसंद आ रहा है आपको यहाँ से? सारा कोरियन आइटम है, सारा एशियन है ना, पाकिस्तान भी आते हैं। ये देखो चॉपस्टिक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तुम वही शौक में देखना। ये देखो बारबेक्यू सॉस, तो ये अब हम
मॉल में एंट्री मार ली है। यहाँ लगेगी आपकी पठान मूवी देखिए ना, ऊपर सिनेप्लेक्स है, IMAX लिखा हुआ। ये जगह जो है यहाँ की फुली क्रैकेड है, यहाँ पे लोग सब बैठे हुए हैं। ये बम्बई एक्सप्रेस फॉलो की जगह है, इंडियन भी है पाकिस्तानी भी है, बहुत सारी। ये बाहर का बेहतरीन ब्यूटीफुल व्यू है। इस मॉल का ये नाम है वेस्टफील्ड एवेन्यू सेंटर। मैं सुबह से मैं दिमाग खा रहा था कि मॉल जाना है, मॉल जाना है, मॉल जाना है। अब बताओ, आप मॉल में आ गए हम तो क्या लेना तुम्हें यहाँ से? टिकट लेनी है आपने? ये ले लो, ये बड़ी गर्म है, 79 यूरो की लगी हुई है। ये लेना समर में, सेल लगेगी इस पर और मज़ीद अच्छी वाली। सॉफ्ट इतनी अंदर से ऐसे होगा, लेकिन इसमें भी सर्दी लगती है बंदे को। पता नहीं, मैंने कभी और इस पहनी नहीं है वो। तुम भी यहाँ से ले लो, और तुम इस तरह वो करना तो बचेगा वो। सही है, ये स्ट्रीट नहीं है, मॉल के अंदर ही है। मॉल के अंदर की स्ट्रीट है, सिंधी है। देखो ये खाओ, ये जो तुम दे रही है, दोनों यूरो के देखो जुराबे लगे हुए। तो फाइनली यार हमें मीडिया मार्ट मिल गया है, और हम मीडिया मार्ट जाते हैं और अपने आईफोन का मैं इसका लेंस कवर लेता हूँ, क्योंकि लेंस जो है ना मोबाइल का भी घिर घिर जाता है। तो लेंस को अगर मैं प्रोटेक्टर लगाऊँ तो उससे यार उसका रिजल्ट जो है ना वो चीज़ बाप भी होती है। तो इस वजह से तो भाई तुम्हें लेने वाले तो है ही नहीं, फिर क्यों जा रहे हो हम खाई में? तो बेचारे को तुमने हटा दिया, टॉपर थोड़ी यहाँ थोड़ा मिलेगा तुम्हें सस्ता? ये इतनी अच्छी ब्रांडेड शॉप है, तो मैं वो कैप दे देगा 100 यूरो की, तुम ले लेना। तो और नहीं सोचे हो रहे हैं हम मीडिया मार्ट के अंदर। आओ तो मैं दिखाता हूँ यार, ये देखो। असल में जो 14 प्रो ज़्यादा जो है ना फ्लॉप गया इस दफ़ा, उसकी रीज़न सारी यही है कि इतना फ़र्क नहीं है अभी हो गया। एयरपोर्ट भाई बहुत महंगे हैं, छोड़ दें 300 यूरो में। इधर आज लैपटॉप देखें, सबसे बेहतरीन जो मैं लगता है ना यार, मुझे लेना है ना, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो चैनल पर, ताकि मैं जो है ना यार हो ना हो कुछ मैं ये M2 बाय कर लूँ। मुझे इन सारे इंशाल्लाह मुझे इस साल के एंड तक जो है ना वो मैंने M2 बाय करनी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि मैं M2 बाय कर लूँ। मजाक कर रहा हूँ। ये देखो, ये 289 यूरो के यार लैपटॉप लगे हुए हैं। ये तो यार कसम, ये तो पूरा मज़दा है किस्म का। इतने अच्छी खासी बंदा, इतनी बड़ी LCD आपको मिल रही है, 289 यूरो, 4GB DDR है, बहुत सस्ते लैपटॉप लगे हुए हैं। बकास वो कैमरों का वक्त जो है ना चला गया, पहले लोग कैमरे बाय करते थे, व्लॉगिंग करते थे, लेकिन अब देख लो आप ड्रोन शोन। हाँ, ड्रोन शोन का टाइम है, ड्रोन शोन बंदा ले। ये इतने मतलब अच्छे हैं काफ़ी, 800 से मतलब यूरो के लोग इसको मतलब काफ़ी बंदा एक्सप्लोर कर सकता है जगह है। लेकिन कैमरे को देखो अब यार, कैमरे जो है ना देखो सारे खाली पड़े हैं। तो कैमरे देखो आप कोई जाते हैं इतना लोग आप ख़रीदते नहीं, क्योंकि मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर कैमरा ऐसे पता कोई क्यों ख़रीदेगा? तो ये सारी वजह है। तो मोबाइल्स ने ना कैमरे को आई थिंक काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया, मैं बोलूँगा ऐसा मतलब इन व्लॉगिंग वे में, क्योंकि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ज़्यादातर वो देख लो कोई भी किसी ने कैमरा नहीं पकड़ा होता, सबके पास मोबाइल होते हैं। गेमिंग PC एक दिन वक्त आया कि मैं भी लूँगा यार ये वाला PC। इसमें RTX GeForce 370 का लगा हुआ है, क्या लीजेंड की देखो, क्या मशीन है, कितनी सेक्सी लग रही है। किसकी है ये?
लेने वो खीरे वालों को जो मेरे पास है। आ जाओ। तो यार चाय की पतली छतरी लेनी थी मैंने, और ये चाय की पतली मैंने ये वाली ली है, और मेरे पास पतली नहीं थी चाय की कि मैं दूसरी जगह मूव हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सेल लगी हुई होती है, ठीक है, चीज़ों पर सेल लगी हुई है। ये बड़े ज़बरदस्त बर्तन मिल रहे हैं, ये वाला मैं सोच रहा हूँ यही ले लूँ यार, ये आई थिंक बेस्ट रहेगा मेरे लिए। तो यार मैं अभी जो है वो छोले की बिरयानी बनाने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम है बट आई मीन इससे पहले मैंने छोले का पुलाव बनाया, लेकिन छोले की बिरयानी कभी नहीं बनाई। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। मैं वैसे कुकिंग टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं बहुत कम करता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब भी करता हूँ बड़ी कमाल ही करता हूँ, क्योंकि मैं एफर्ट्स लगाता हूँ। लेकिन मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं है, और मेरी कुकिंग करना जो है वो एक बात ये भी सोचा कि बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं जब करता हूँ फिर दिल से करता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाता हूँ। मैं अंडे ही बस खा खा के चल रहा होता हूँ पूरे वीक, और जब ये संडे का दिन होता है, सैटरडे का जब छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। सिर्फ हफ्ते में एक दिन मैं हार्टी कुकिंग करता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कैसे जो है वो छोले की तैयारी बनाने वाला हूँ। आपको तो सबसे पहले मैं अपना किचन दिखा दूँ। ये मेरा किचन है, और ये मेरा VIP काइंड ऑफ, ये मेरा फ्रिज है, ठीक है, जो कि पूरा भरा हुआ है। इसमें सारा सामान मेरा नहीं है ऑफ कोर्स, इसमें जो है वो दूसरे लोगों का भी सामान है जो मेरे यहाँ पर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो नीचे फ्रीज़र है, और ये मेरा किचन है, और ये हमारा किचन है बल्कि, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं जिसको यहाँ से जस्ट आपको बटन दबाना है, और दस फिर चौथा चूल्हा चाहे आप चला सकते हो, ये वाला चलाना है फिर ये वाला चलाओ। और ये हॉस्टल पड़ा हुआ है, ये कैबिनेट है, और ये आगे फिर मेरा पूरा अपार्टमेंट है, वॉशरूम वगैरह आगे सारी अलमारी हैं, और ये बैठने की जगह है खाना खाने की जगह। तो ये मेरा पूरा जो है काइंड ऑफ एक छोटा सा अपार्टमेंट का टूर दे रहा हूँ मैं आपको, और ये छोटा सा मिरर लगाया हुआ है इन्होंने अपने आप को देखने के लिए। तो मैंने कमीशन सूट पहना हुआ है, और मुझे मतलब काफ़ी रिलैक्स फील होता है यार, कमीशन अपना जोड़ा जो है ना अपना पाकिस्तानी सूट पहन के, देसी सूट पहन के। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, हाँ यार, हम जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी चाय जो है ना मैंने बनाई थी, तो इसको हम थोड़ा सा पी लेंगे, तब ऐसे बासी हो जाएगी। और साथ साथ में हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग में जो है हमें ये भी देखो, ये देखो, ये मैं लेके आया था छोले का। ये यहाँ पर ना छोले के जो है ना 3 पैक मिलते हैं उबले हुए छोले के। तो ये देखो, इसमें लाइक 480 ग्राम है, आधा किलो छोला है, ठीक है। इसका मैं पुलाव, इसका मैं चिकन बिरयानी बनाने वाला हूँ। और मुझे क्या, शिट यार, देखो मेरे जहन से निकल गया, मैं नमक लाना भूल गया। अब मुझे किसी और का नमक लेके यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से। ये अच्छी बात होती है शेयर फ्लैट में वैसे रहने में, कि आप के पास अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तो आप अपने किसी जो है वो फ्लैटमेट के लेके भी यूज़ कर सकते हो उस टाइम, और बाद में इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बाद आपको पास चीज़ ख़त्म हो जाती है, और आप दुकान यहाँ शॉप शॉट में बंद हो जाती हैं, तो आपके पास कुछ भी जो है वो नहीं होता उस टाइम लेके जाने के लिए, मतलब लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे ये दूसरे यहाँ पे लोगों से लेकर यूज़ कर सकते हो। तो अब हम जी क्या करेंगे, अब हम ये आ गया हमारा ये, और ये आ गया ऑयल, और उसके बाद जी मुझे चाहिए, मैं मुझे चाहिए प्याज। हाँ, प्याज मैंने यहाँ रखे थे, ये आ गए हमारे प्याज, और उसके बाद चाहिए हमें टमाटर। टमाटर वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, उसके मैं थोड़े कम ही लेता हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं फिर दिल दुखता है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे, प्लेट निकालते हैं हम यहाँ से, अपना प्लेट निकालनी और छुरियाँ से लेते हैं, और जल्द से कटिंग करना शुरू करते हैं। तो यार मैं तुम लोगों को दिखा दूँ कि मैंने जो है ना अभी जैसे उसमें प्याज डाले, और ऑयल में जो है प्याज जब तक फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद फिर हमने इसमें इन द मीन टाइम हमने जो है टमाटर काट लिए हैं, और टमाटर जो है ना हमने इतने काटे हैं, बस इतने बहुत हैं आई थिंक इसमें, दो बंदों के लिए जो है ना ये बिरयानी बनानी है मैंने छोले की, और ये मेरे छोले भी रेडी हैं। तो इसमें ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ भी, जस्ट इसको डायरेक्टली खोल के मैंने डाल देना, ठीक है। और बस अभी ये थोड़े से ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगा, देन मैं छोले डालूंगा, और उसके बाद मेरा छोले का सालन रेडी हो जाएगा। फिर आपको फर्दर भी मैं इसमें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ये देखो यार, इसको तो मैं खोलना ही भूल गया। तो इसको ये धुएँ के लिए होता है, इसको हमने खोल दिया। अब यहाँ से धुआँ देखो, ये तेज़ी से जा रहा है, कितनी तेज़ से देखो धुआँ उसके जो है ना वो खींच रहा है। तो इससे होगा कि यहाँ पर धुआँ धुआँ नहीं होगा, अगर धुआँ धुआँ हुआ तो यहाँ पर लगे हुए अलार्म, और यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर धुआँ चला गया तो मैं आपको बताया था पुरानी वीडियोज़ में कि फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाएगी, और यहाँ पर मेरे पर अच्छा खासा जुर्माना हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये इसलिए दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। यार ये देखो, चेक करो, मैंने सब कुछ डाल दिया है,
छोले का जो है ना मैंने कैन पूरा खाली कर दिया है इसमें, और जो है कुछ और टमाटर भी डाल दिए। तो बस अब इसको बस इंतज़ार करूँ, थोड़ा सुखाना है मैंने, और जब भी थोड़ा सूख जाएगा इसमें मैंने बस पानी डाल के फिर चावल डाल दूँ, फिर मेरे छोले की बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो ये देखो यार, मैंने जो है ना इसमें चावल बॉल डाल के रख दिए और भिगो दिए, तो इंशाल्लाह मेरी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। और साथ में एक्स्ट्रा चावल जो है ना वो बनाने के रख दिए, क्योंकि बर्तन बहुत छोटा है तो मुझे इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पूरी चावल से आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसमें कम रखे एहतियातन, और बाकी इसमें बॉयल कर लेता हूँ मैं बात में बात के लिए। ये देखो यार क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मैंने बिरयानी तैयार कर ली है, छोले की बिरयानी इस रेडी फाइनली काफ़ी एफर्ट्स के बाद। छोले की बिरयानी फाइनली जो है मैंने प्लेट में डाल ली है, और ये धुआं शुआं निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसे मैं आप इंजॉय करूँगा। फर्स्ट बाइट लेके आपको टेस्ट करवाता हूँ मैं कैसा है ये, कैसी बनाई है मैंने छोले की बिरयानी। कमाल की है, मज़े की। इसे आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊँ, जितना आप खाने को ना हम जैसे कुछ लगा लेते हैं, फर्ज करें मैं अभी लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, मेन्यू शूज कुछ भी लगा के बैठ जाऊँगा इस टाइम पे, ठीक है, और वो भी देखता रहूँगा और खाना भी खाता रहूँगा, लेकिन खाने का उसमें ना एक अलग जो मज़ा होता है ना वो चला जाता है। अगर आप एक फोकस करके और इसका जायका अगर आप इंजॉय करना चाहते हो ना जायका को, तो अगर आप फोकस करके इसको खाओगे ना इस करके, इसका जो टेस्ट है ना वो आपको पूरा महसूस होगा, और आपका फोकस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको मज़ा आएगा खाने का कि वाकई में आप क्या खा रहे हो। लेकिन भाई हम आज का क्या है कि वीडियो लगा के बैठ जाते हैं और पता ही नहीं होता, बस खाना लेकर जो है ना मुंह में ठोस रहे होते हैं और ठोस रहे होते हैं। घर को ज़्यादा लंबी कह दी। खैर मैं अपने ब्लॉग को जो है ना यहीं पे एंड करूँगा, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन पर राय के साथ जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मुलाकात होगी आप सब लोगों से, मेरी व्लॉगिंग का सिलसिला जारी रहेगा, व्लॉगिंग इंशाल्लाह नहीं रुकेगी, और व्लॉगिंग इंशाल्लाह डेली चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।